और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आतंकवादी हमले का खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। भीड़भाड़ वाले इलाके आतंकवादियों के निशाने पर हैं। आतंकवादियों का ग्लोबल ग्रुप हमले की फिराक में है। आईडी, छोटी गाड़ी या फिर छोटे हथियारों से ये आतंकवादी हमला कर सकते हैं। साथ ही विदेशी सैलानियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अलर्ट जारी होने के साथ ही दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जगह जगह चेकिंग की जा रही है। बता दें कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने भी हाल ही में भारत और अफगानिस्तान में आतंकवादियों के हमले का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद अब दिल्ली में भी खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, अलर्ट को लेकर क्या जानकारी आपके पास है? जी, आपको बता दें कि छोटी गाड़ियों से अटैक करने की बात कही जा रही है। जो पुरानी जो गाड़ी जो है, जो कबाड़ की गाड़ियां है, ये कहा जा रहा है कि उसे हायर करके, क्योंकि पुलिस को उस पर शक भी ना हो, और उसके थ्रू जो है बॉर्डर में एंट्री करके हमले की तैयारी की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के काफी चौकसी इंतजाम किए हुए हैं, मॉनिटरिंग की जा रही है सीसीटीवी कैमरे से। बॉर्डर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर आप गाजियाबाद बॉर्डर की अगर मैं बात करूँ, फिर हरियाणा बॉर्डर की बात करूँ, तो वहाँ एक एक गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। हालांकि पुलिस ने खुद एहतियात तौर पर कहा है, लोगों से अपील भी दिल्ली पुलिस तरफ से किया गया है कि अब वहाँ पर ध्यान ना दे, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है इस बात की सूचना तत्काल स्थानीय पुलिस को दे। बिल्कुल अपवन, कुछ दिनों पहले ही एयरपोर्ट्स को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था कि मेजर एयरपोर्ट्स, भले वो छोटे भी हों या बड़े एयरपोर्ट्स हो, उनको लेकर भी अलर्ट जारी हुआ था कि आतंकवादी निशाना बना सकते हैं। और अब खासतौर पर दिल्ली को लेकर यहाँ पर ये अलर्ट जारी हुआ है। किस तरीके से यहाँ पर अब ये एजेंसियाँ काम कर रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक अलर्ट यहाँ पर जारी होते जा रहे हैं? बिल्कुल, अलर्ट जारी यहाँ पर किया गया है। खुफिया विभाग ने यह अलर्ट जारी किया। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। कमांडो दस्ते की भी तैनाती की गई है। सघन तलाशी भी की जा रही है जगह जगह। जो उन बाजारों पर, जैसे अगर सदर बाजार की बात करें, लाजपत नगर, सूर्य नगर मार्केट की बात करें, तो वहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। पुलिस चौकसी काफी बरत रही है। हालांकि कहीं से भी कोई चूक ना हो जाए, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल, अलर्ट का असर अब देखा जा सकता है पूरी दिल्ली में। शुक्रिया पवन आपका इस जानकारी के लिए। तो खुफिया एजेंसियों की तरफ से अलर्ट जारी किया गया था कि दिल्ली में आतंकवादी हमला कर सकते हैं, और इसी के तहत अब जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो सुरक्षा है वो और पुख्ता कर दी गई है। इस